और अरविंद केजरीवाल अब हनुमान मंदिर में अंदर जाते हुए यहां पर अपने परिवार के साथ गए। और ये देखिए कि साथ ही साथ यहां जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है वो नारे भी लगाए। कुछ लोगों ने यहां पर केजरीवाल के नाम के, और फिलहाल ये तस्वीरें हैं। अब कितनी देर अरविंद केजरीवाल रुकते हैं सीपी के हनुमान मंदिर, ये देखना होगा। पूजा अर्चना के बाद कितनी देर बाद यहां से निकलेंगे और क्या मीडिया से बात करेंगे, और अगर करते हैं तो क्या कुछ बातचीत करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अब से कुछ देर में यानी कि 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। तो अरविंद केजरीवाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद दिल्ली में उनके 2 रोड शो हैं शाम 4 बजे और शाम 6 बजे, जो कि दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में वो करेंगे। और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के बीच, आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच और इस पार्टी के बीच एक अलग उत्साह अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद, अंतरिम बेल के बाद देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जब थे तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो थे वो ये बात कह रहे थे कि अभी अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए, उसके बाद देखेगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार और ज्यादा पुरजोर तरीके से बड़ा करके वो लोग करने वाले हैं। तो वही अब से कुछ देर पहले जब संजय सिंह और की नेता आतिशी से हमने बातचीत की तो देखिए ये बहुत सारे कार्यकर्ता हैं नारे लगा रहे केजरीवाल मोदी तेरा ये। यहाँ पर देखिए केजरीवाल को लेकर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं, सत्ता में बैठी सरकार को घेर रहे हैं। इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर केजरीवाल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और फिलहाल सीपी के हनुमान मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर बड़ा जमावड़ा भारी भीड़ जो है वो मौजूद है। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल मंदिर के अंदर चले गए हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान मौजूद हैं अंदर हनुमान मंदिर जो गए हैं दर्शन के लिए। उसके अलावा कई और नेता जो हैं वो मौजूद हैं जो पहले ही यहाँ पर आ गए थे, और अभी वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ जो हैं बिल्कुल मदिहा अभी काफी जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है, बाकी लोग हो समर्थक हो वो दिखाई दे रहे हैं, मीडिया भी तस्वीर लेने के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ दीपक रावत हमारे सहयोगी आप दफ्तर से जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ समर्थक तो लग रहा है मंदिर के बाहर है दीपक, लेकिन जाहिर तौर पर आप दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी देखनी बनती हैं। जी बिल्कुल स्नेहलता, और इस वक्त तस्वीर में आप दफ्तर के भीतर की आपको दिखा देता हूं। देखिए मंच तैयार हो गया है, मंच दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया है कि 1 बजे होगा, लेकिन इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मत समझिए, ये दरअसल एक संदेश देने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की। संदेश इस बात को लेकर कि देश भर में जहां जहां आम आदमी पार्टी का संगठन है, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहां वहां तक अरविंद केजरीवाल आज से ही पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोशिश इस बात को लेकर होगी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है, वहां पर कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाना कि इस वक्त जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से जमानत मिली है उस जमानत को भुनाना है। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है। अब इन सीटों की बात कर लें तो दिल्ली में देखिए गठबंधन में चुनाव जरूर लड़ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर जो बाकी 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में हैं दिल्ली में, उस पर भी अरविंद केजरीवाल जो है एक तरीके से बढ़त बना सकें, वो 3 सीटें भी अगर वो जीत लेते हैं तो उनको लगता है कि दिल्ली में जो वो चाहते हैं, जिस पावर की बात वो करते हैं कि उनसे छीन कर LG को दे दी गई है, उस पावर को एक बार हासिल किया जा सके। अभी तो देखिए संकटों के बादल इतने गहरे रहे हैं कि अभी बाहर आने के बाद सबसे पहले संकट मोचक जिसे कहा जाता है, संकटों को हर लेने वाले हनुमान जी उनके दर पर हैं। कितना और वक्त लगेगा वहां के कार्यक्रम तक की जानकारी, अगर समय या टाइम फ्रेम कुछ आपके पास जानकारी हो तो बताएं। देखिए 11 बजे पहुंचने का वक्त था, हालांकि थोड़ी देरी से पहुंचे हैं, लेकिन मान के चलिए कि 12 बजे तक वो हनुमान मंदिर में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि इसको भी एक मैसेज के जरिए से समझिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर समय ये बताते हैं कि वो हनुमान भक्त हैं, चुनाव के समय में ज़्यादा उनकी हनुमान भक्ति नजर आती है, वो कोशिश करते हैं लोगों से कनेक्ट करने की कि हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। कल आपने देखा होगा जैसे ही वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भगवान हनुमान की कृपा से वो आज बाहर आए हैं और भगवान हनुमान की कृपा से ही वो चुनाव में अच्छा भी करेंगे, बेहतर
प्रदर्शन भी करेंगे। तो मैसेजिंग आज वहीं से शुरू हो गई है, ये आपको समझना है, क्योंकि हनुमान मंदिर इसीलिए गए हैं ताकि एक शुरुआत वहां से की जा सके, देश भर में मैसेज दिया जा सके कि हनुमान जी हमारे साथ हैं और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा मैसेज इसलिए देने की कोशिश है कि एक बजे के आसपास तो जो मंच सजाया गया, देखिए पीछे आप बैकड्रॉप देखिए, बैकड्रॉप वही सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, जिसको लेकर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी घूम रही है। और ये नहीं कि आप बाहर आ गए तो इस बैकड्रॉप को बदल दिया जाएगा, इसको बदलने की तैयारी नहीं है। कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, जेल उन्हें गलत तरीके से भेजा गया, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। इसीलिए इसी तस्वीर के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। आज बात उनकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है सुननी, क्योंकि वो अपने आरोपों पर भले ना बोल पाए, क्योंकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप अपने मामले में नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पूरे ताने बाने को किस तरीके से वो सामने रखते हैं, किस तरीके से उस भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जिक्र करते हैं जो उन पर लगे हैं, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर उन्होंने सत्ता हासिल की थी, आज उसी के आरोपों में घिरे हुए हैं, उसी के चलते जेल में है। अंतरिम जमानत पर जरूर है लेकिन 2 तारीख को वापस जेल जाना होगा। तो तमाम तथ्य वो सामने रखेंगे। पार्टी के बीच जो मनोबल एक तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा था पिछले दिनों, उस मनोबल को कैसे एक बार से संगठित करने की कोशिश करेंगे, कैसे पॉजिटिव जो है वो लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं को खासतौर पर जो ये मान के चल रहे थे कि अब पूरी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल के भीतर हैं।